वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक झलक उसका देख लेते हैं हम लोग। हमने यही बताया था कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न तीन भाग में डिवाइड हुआ था, नेटिव, फॉरेन एंड साउथ। तो इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेटिव। ओके, तो नेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का नेटिव का सबसे पहला हमारा डायनेस्टी है, वो है सुंगा डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी है दोस्तों? सुंगा। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्रा सुंगा, पुष्यमित्रा सुंगा। तो ये कौन थे? इन्होंने लास्ट रूलर जो थे मौर्य डायनेस्टी के, वृद्धरथा को इन्होंने मारा था, और उसके बाद ये सुंगा डायनेस्टी अपना स्टैब्लिश किया था। ओके, तो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र सुंगा। ये रिवाइव्ड ऑर्थोडॉक्स थे हिंदुइज्म के, क्योंकि जैसा कि आप लोग पीछे देखे हैं जितना भी लेक्चर में कि जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत फैल रहा था, तो ये एक ऑर्थोडॉक्स बन के हिंदुइज्म का आए थे। कि इन्होंने सोच के रखा था कि अब हिंदुइज्म को फिर से वापस उसी पोजिशन पे लाना है जैसा वो पहले था। तो एक रिवाइव्ड ऑर्थोडॉक्स थे हिंदुइज्म के, और ये दो टाइम्स अश्वमेध यज्ञ करवा चुके हैं। ये टू टाइम्स अश्वमेध यज्ञ करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि अश्वमेध यज्ञ टू टाइम्स किस किंग ने करवाया, किस रूलर ने करवाया? तो वो थे पुष्यमित्र सुंगा। और ये किसके अंडर करवाया था? पतंजलि। तो दोस्तों, ये पतंजलि वो पतंजलि नहीं है जो वेद में हम लोग पढ़ेंगे, या वो पतंजलि नहीं, ये कोई और है, नाम का पतंजलि था। ओके, तो इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते वो थे अग्निमित्रा। तो अग्निमित्रा के बारे में उतना कुछ जानने का इम्पोर्टेंट चीज है नहीं, तो हमने बस वही जानेंगे जो एग्जाम के व्यू से हो। ओके, तो एसएससी में पूछा गया था कि कालिदास का जो लिखा गया था बुक मालविका अग्निमित्रा, वो किन पर था? तो वो था अग्निमित्रा पे था जो सुंगा डायनेस्टी के थे। ओके, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा एसएससी सीजीएल में कि मालविका अग्निमित्रा किनके पे था, तो वो अग्निमित्रा पे था, वो सुंगा डायनेस्टी के थे। ओके दोस्तों, तब हम नेक्स्ट आते हैं आर्किटेक्चर पे। तो इनके टाइम पे दो आर्किटेक्चर हुआ था, एक था गेटवे रेलिंग ऑफ सांची स्तूपा। सांची स्तूपा का गेट आप देखिए, सांची स्तूपा में पहले रेलिंग था, गेट के पास एक जो होता है ना द्वार के पास एक बड़ा सा रेलिंग बनाता है, द्वार प्रवेश टाइप बहुत बड़ा, वो नहीं था। तो वो इनके टाइम पे ये बना था सांची स्तूपा के आगे। और दूसरा था भारूत स्तूपा। तो भारूत स्तूपा क्या था कि वो जो बनाए थे वो जब निकाला गया तो उस समय इसका मलबा केवल मिला था, ब्रोकन पार्ट्स मिला था, जिससे हमें पता चला था कि यहाँ पे भारूत स्तूपा था। ओके, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। और इनके लास्ट रूलर थे देवबुद्धि। कौन थे दोस्तों? देवबुद्धि। तो दोस्तों देखिए, हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जितना एग्जाम में पूछता है बस उतना ही हम पढ़ा रहे हैं। और ये सब जो भी इसमें लिखा हुआ वो सब के सब एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। ओके दोस्त, तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें बताएं। ओके, थैंक यू दोस्तों।